अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। अब तक की बड़ी 10 खबरें लेकर मैं मंजूर डार आपकी खिदमत में हाजिर। बाबर कादरी कत्ल केस के सिलसिले में श्रीनगर शहर में पुलिस की जानिब से मारूफ एडवोकेट मियां अब्दुल कयूम समेत 3 वकला के गनों और दफातर में 4 मकामात पर छापे मारे गए। पुलिस बयान के मुताबिक श्रीनगर पुलिस ने एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल के सिलसिले में 4 मकामात पर 3 वकला के गनों और दफातर पर बैक वक्त तलाशी ली, जिसमें से 2 बरजुला इलाके में, 1 ब्रेन निशात और 1 मायसुमा में है। शुमाली कस्बे सोपोर में बुध की शाम आतजदगी की एक वारदात में 6 रिहायशी मकानात खाकिस्तर हो गए। सोपोर के सैयद सुल्तान आरमपुरा इलाके में एक रिहायशी मकान से पूरा सरार तौर पर आग लगी और तेजी से करीबी मकानात में फैल गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 6 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। डोडा में जलजले के झटके, जम्मू कश्मीर में 2 दिनों में 7 जलजले। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन PAGD के साथ मुश्तरका तौर न लड़ने का फैसला किया है। आर्मी वर्दी के मुशावा मलबूसात की खरीद और फरोख्त पर पाबंदी, आसानी के साथ वर्दी तक रसाई पर रोक, कौमी सलामती के हक में फौज। जम्मू खित्ते के कई हिस्सों में घरेलू मवेशियों में स्किन लंपी डिजीज यानी गांठ की बीमारी के खतरे के बाद गाय के दूध की खरीद और फरोख्त में तकरीबन 25% की कमी आ गई है। टीम इंडिया एशिया कप के लिए दुबई रवाना। शाहीन आफरीदी और जसप्रीत बुमराह एशिया कप से बाहर, बल्लेबाजों के लिए बड़ी राहत। विराट कोहली की सेंचुरी का इंतजार 1000 दिनों से भी तवील हो गया। पाकिस्तान में बारिशों और इसके नतीजे में आने वाले सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले सूबे बलूचिस्तान में अब तक 250 अफराद जानबाग हो चुके हैं। नाज़रीन, ये थी अब तक की बड़ी 10 खबरें। दीजिए अपने मेज़बान मंजूर डार और ऑनलाइन एडिटर मुशरफ वानी को इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। इट्स ऑलरेडी लेट, वेयर इज अर्जुन? He's looking for universities, right? Maybe he's held up there. You look so tense. By the way, did you get to choose the university? No, I'm unable to find an university that meets my requirements. Whoa, meet your requirements? What exactly are you looking for? I'm looking for a place that gives me an opportunity to grow, to excel, to invent. And to innovate. I want to be a part of an institution that paves my way to discover myself and to witness the world moving forward in technology. I want to go to a place that sets a futuristic pattern of education filled with ideas and radical performances. Basically, I want to live my dream. Dayanand Sagar University. Live the dream.